अयोध्या के तीसरे दीपोत्सव को भव्यता के साथ मनाए जाने को लेकर सांसद लल्लू सिंह ने इस बार का दीपोत्सव पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक दिव्य और भव्य होगा। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव के कारण पूरी दुनिया अयोध्या की गरिमा व महिमा बढ़ी है। वहीं उन्होंने अयोध्या जनपद के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीपोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। तो वहीं दूसरी ओर दीपोत्सव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे झांकी साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएगी। उन्होंने कहा कि आरती व दीपोत्सव के बाद इस दौरान पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी छह देशों की रामलीला का मंचन होगा। 3 वर्षों से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद दीपको उत्सव का आयोजन हो रहा है और इस दीपको उत्सव के कारण पूरे दुनिया में भारत की और महिमा अयोध्या की महिमा और गरिमा बढ़ी है। हम सब लोगों ने पूरे अयोध्या वासियों से अपील किया है कि दीपको उत्सव में वह सहभागी बने और जो जहां पर है वहीं पर दीप जलाने का काम करें। प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे त्रेता युग में, उनका जिस प्रकार से स्वागत अयोध्या वासियों ने किया था, उसी प्रकार का दृश्य त्रेता युग का आज इस दीपको उत्सव के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है और भविष्य में और भी अच्छा होगा, यह विश्वास है।